हापुड़ पहुंचे केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने धौलाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने सीएचसी में सभी सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की और मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही मंत्री जनरल वीके सिंह ने कोरोना को लेकर अधिकारियों के साथ वार्ता की। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने धौलाना सीएचसी को 6 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी उपलब्ध कराए ताकि अस्पताल में भर्ती मरीजों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो सके और ग्रामीण क्षेत्र में भी कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। हमारे संवाददाता दीपक कश्यप से बात करते हुए वहीं जिलाधिकारी अनुज सिंह ने बताया कि हमारे सभी सीएससी इसमें टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध है। जो भी व्यक्ति टेस्टिंग के लिए आता है उसकी हम टेस्टिंग कराते हैं, पहले एंटीजन करते हैं और एंटीजन में निगेटिव आया तो उसके बाद उसका आरटीपीसीआर भी लेते हैं, हमारा लैब में या फिर नोएडा लैब के लिए भेजते हैं। इसके अतिरिक्त अगर कोई सिम्टोमेटिक उसके लिए दवाई की सुविधा भी उपलब्ध है, उसको हम दवाई देते हैं। साथ ही साथ सभी सीएससी पर पीएससी पर ओपीडी की सुविधा मौजूद है। वैक्सीनेशन भी यहां पर चल रहा है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर माध्यम से हर सीएससी पे 10-10 बेड ऑक्सीजन बेड भी सुचारू रूप से चल रहे हैं। क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं सर? देखिए, यहां पर आने का मकसद ये था कि देखें कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर व्यवस्था कैसी हो रही है और उसको और सुदृढ़ करने के लिए हमने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स दिए ताकि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के अंदर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पहुँच जाए। जहाँ तक सीएचसीज का सवाल है, वहाँ पर हर एक के अंदर एक ऑक्सीजन प्लांट लग रहा है, यहाँ पर भी और सपनावत के अंदर भी, तो ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो ठीक हो जाएगी। दूसरी चीज़ है कि अब केसेस कम आने शुरू हुए हैं, बाकायदा वैक्सीनेशन हो रहा है, जैसे जैसे लोग आते हैं अपना वैक्सीनेशन करा रहे हैं और पूरी जानकारी दी जा रही है, दवाइयाँ दी जा रही हैं। आप लोग भी इस चीज़ को सब लोगों के अंदर फैलाएं कि दवाई समय पर लें, अगर जैसे ही बुखार वगैरह या खांसी वगैरह कुछ होती है तो जो दवाई दी गई है उसको लेना शुरू कर दें, इंतज़ार ना करें, ठीक है। और हमें पूरी आशा है कि संक्रमण को हम ग्रामीण इलाके के अंदर अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे ताकि हापुड़ जिले के अंदर बहुत ज़्यादा केसेस ना हो। ताज़ा और रोचक खबरों के लिए यूँ ही जुड़े रहें हमारे साथ और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।